हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाभाभी यानी कि दिशा बकानी के बारे में। सो इस काफी टाइम से सोशल मीडिया पर दयाभाभी की शो में वापसी का विषय एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार शो में दयाभाभी वापसी करेंगी या फिर नहीं। सो रिसेंटली अभी सोशल मीडिया पर एक पिक्चर दिशा बकानी ने पोस्ट की है जो कि उनकी एक शादी की पिक्चर है जिसमें कि दयाभाभी और उनके हस्बैंड मयूर पाड़िया और शो के प्रोड्यूसर आस्त कुमार मोदी दिखाई दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है लव दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखकर कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि शो के अंदर अब दिशा बकानी वापसी कर रही हैं और उन्हें बहुत जल्दी इस शो में दयाभाभी का किरदार देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली ये पिक्चर इतनी तेजी से वायरल हो रही है, इसे करीब अब तक 16,000 लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने इस पिक्चर के नीचे दयाभाभी के शो में वापसी के लिए रिक्वेस्ट की है। लेकिन गाइस, यहाँ पर दयाभाभी ने लगता है शो में वापसी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा हुआ है, आप प्लीज मुझसे शो में वापसी के बारे में ना पूछे, मैं इससे थक चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे लगता है कि भले ही दिशा बकानी ने इस पिक्चर को पोस्ट किया हो लेकिन लगता है कि अब शो के अंदर वापसी आने का उनका कोई भी विचार नहीं है और हमें अब शो के अंदर कोई दयाभाभी के किरदार में कोई और नई एक्ट्रेस ही देखने वाली है। और गाइस, बताइए कि आपकी दयाभाभी के इस डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कॉमेंट्स और रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।